नमस्कार दोस्तों, द स्पीड ऑफ रॉक सर में एक कदम सफलता की ओर मैं आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में अपना इंपरेटिव सेंटेंस के विषय में बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है तीन प्रकार का होगा, या तो ऑब्जेक्ट के साथ होगा, या तो बिना ऑब्जेक्ट के साथ होगा, या तो कोई मोरल सजेशन दिया गया है। ठीक, जैसे ऑब्जेक्ट था शट कर दो, दरवाजा बंद कर दो, गो अवे चले जाओ, हेल्प द पुअर गरीबों की मदद करो। तो ये सब चीज इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये चीज ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो इसको आप ज्यादा अच्छे से लिखिएगा। जैसे शट द डोर, तो अगर अगर इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड, ये चीज है इसका पहली बार। अब देखिए, जब हम इसका बनाना है शट द डोर का, तो क्या बताए, लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, बी शट का थर्ड फॉर्म शट शट शट, तो शट ही रहेगा, तो लेट द डोर बी शट। ठीक, या फिर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या अब इसका देख लीजिए, जैसे पहले गो अवे, अगर ऑब्जेक्ट दिया रहे तो ऑब्जेक्ट दिया रहे तो गो अवे चले जाओ, मतलब कोई आदेश दे रहा है, आदेश अगर दे रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यू आर ordered to, या अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, या आपको लगता है कि कोई सजेशन दे रहा है तो यू आर सजेस्टेड। ठीक, यू आर सजेस्टेड, उसके बाद सजेस्ट के साथ टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये चीज है हमारा। तो देखिए, अब हमको इसको बनाना है गो अवे, चले जाओ, तो अब इसको अगर आपको ये लगता है कोई आदेश दे रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, तो ये चीज है, इस तरह हम बनाएंगे। जैसे हेल्प द पुअर, अब इसमें सजेशन दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, और अगर सजेशन दिया जाए तो देखिए, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, कोई सजेस्ट कर रहा है आपको, क्या बोल रहा है, गरीबों की मदद करो, तो इसका क्या हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट, इसका हम यहां पर लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे अब हेल्प द पुअर, तो द पुअर शुड बी, उसके बाद हेल्प, तो द पुअर शुड बी द हेल्प, ये चीज है, शुड बी हेल्प। तो इस तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस का जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे अगर हम एक और देखिए कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, दिया गया है कि गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी दो, तो इसमें अगर कोई सलाह नहीं दी जा रही है, अगर आप ये मानते हैं कि इसमें सलाह दी जा रही है तो यू आर ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे, अगर साधारण मानते हैं तो क्या हो जाएगा कि लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद बी गिवेन, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी गिवेन, और लगाना चाहे तो बाई यू लगा सकते हैं, और अगर न लगाना चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसका जो है पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनता है, इस तरह बनता है। देखिए, एक चीज और रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है,
हर दिन इसकी एक्सरसाइज कराएंगे, तो एक्सरसाइज में इसके सारे जो है कम से कम 20-20 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का पैसे वाइज का एक्सरसाइज हम कराएंगे। ठीक, तो आगे देखिए, और जिसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और हमारे नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है। तो आगे देखिए, इन्फिनेटिव अगर रहे तो इन्फिनेटिव का हम, इन्फिनेटिव का पैसिव कैसे बनाते हैं। इन्फिनेटिव का मतलब कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें दिया गया है। अगर 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया रहे और उसका आपको पैसिव वाइज बनाना हो तो 2B और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए। जैसे आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, तो क्या हो जाएगा इसका, सिंपल जैसे बनाते हैं वैसे बनाइए, इट फिर इज आर एम, तो क्या हो जाएगा इज बिंग एम बिंग आर बी, लेकिन इसको ऐसे लिख लीजिए, तो इट इज, ठीक, इट इज, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बी, इट इज बी डन बाई आई का क्या हो जाएगा मी, तो क्या हो जाएगा इट इज टू बी डन, इट इज टू बी, इट इज, तो देखिए टू है ना, तो टू को किसमें बदलेंगे हम, टू बी में, तो इट इज टू बी डन बाई मी, तो ये हो जाएगा इसका पैसे। जैसे एक आगे और है, यू आर टू राइट इट, यू आर टू राइट इट, यू आर टू राइट इट, तुम्हें इसे लिखना है। तो अब देखिए राइट इट, तो इट इज आर एम, इज इट इज टू बी, राइट का क्या हो जाएगा रिटेन बाई यू, ठीक, तो ये चीज है। अगर इन्फिनेटिव दिया रहेगा तो इन्फिनेटिव का जो पैसिव बनेगा टू की जगह पे क्या हो जाएगा, टू प्लस बी हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज है। आगे देखिए, अगला जो नियम है इसके बाद वो क्या है, तो अगर हमको अगला नियम जो है हमारा वो ये है कि वर्ब फॉलोड बाई एडजेक्टिव, मतलब कि पैसिव वॉइस में कोई एडजेक्टिव दिया रहे और उसके बाद कोई वर्ब दी रहे, जैसे कि, जैसे ये कि रोज स्मेल्स स्वीट्स, फूलों की खुशबू मधुर होती है, जैसे दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, वे आम खट्टे मतलब स्वाद में खट्टे हैं, या क्वाइन, क्वाइन टेस्ट बिटर, मतलब क्वाइनिन का जो स्वाद है वो क्या है, कड़वा है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर एडजेक्टिव लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं, फिर प्रोनाउन लिखते हैं, ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे रोज स्मेल्स स्वीट्स, इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है रोज, तो सब्जेक्ट हमारा रोज है, उसके बाद वर्ब। अब इसमें स्मेल्स, स्मेल्स का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी इज आर एम, तो रोज इज, ठीक, रोज इज। उसके बाद स्वीट एडजेक्टिव, मतलब विशेषता क्या बताया गया है, मीठा है, मतलब स्वीट, सुंदर, खुशबू अच्छी है, तो रोज इज स्वीट। उसके बाद वैन, वैन प्रोनाउन, प्रोनाउन हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से लगता है, चूंकि रोज है तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा इट, ठीक, वैन इट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इज, और स्मेल, स्मेल का जो हमारा थर्ड फॉर्म रहेगा वो हो जाएगा स्मेल, SMELT, ये हमारा इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, क्या कि रोज इज स्वीट, रोज मीठा है, वैन इट इज स्मेल, जब इसे सूंघा जाता है, इसकी खुशबू ली जाती है। तो स्वीट का मतलब देखिए, अब यहाँ पे स्वीट का मतलब मीठा नहीं होगा, सुगंध चुकी है, तो सुगंध क्या होगी, अच्छी होगी, तो क्या हो जाएगा रोज इज स्वीट, गुलाब अच्छा है, वैन इट इज स्मेल, जब इसकी खुशबू ली जाती है, जैसे दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, तो अब दोज मैंगोज है, पहले इसको लिख लीजिए, दोज मैंगोज,
उसके बाद हम क्या कह सकते हैं इसकी वर्ब, तो चूंकि ईयर्स लगा है रिप्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज आर एम रहेगा, और मैंगोज चूंकि यस लगा है इसलिए आर हो जाएगा, तो दोज मैंगोज आर। ठीक, अब क्या है विशेषता, क्या है सावर है खट्टे है, तो दोज मैंगोज आर सावर, कब सावर है व्हेन माने जब, अब दोज मैंगोज, दोज मैंगोज के जो प्रोनाउन बनेगा वो क्या बनेगा व्हेन दे, मैंगोज के लिए दे, व्हेन दे आर, उसके बाद टेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। ठीक, तो ये चीज है दोज मैंगोज टेस्टेड सावर, एक मिनट रुक जाइएगा, टेस्टेड लिखा है, टेस्टेड का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज या वर्ब रहता है, तो यहाँ पे वर्ब होगा। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे वर्ब क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे टेस्टेड है पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो वाज या वर्ब रहता है। जैसे क्विनाइन टेस्ट बिटर, क्विनाइन का टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, फिर क्या हो जाएगा क्विनाइन, क्विनाइन अब टेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इज बिटर व्हेन इट, अब इज क्या हो जाएगा टेस्टेड। ठीक, तो ये चीज है, और इस तरह से हमारा अगर वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव दिया रहेगा तो उसका जो पैसिव वॉइस बनता है वो इस तरह से बनाया जाता है। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, ताकि हम और उत्साह से पढ़ाएं तथा आपको अच्छा अच्छा मटेरियल उपलब्ध करें।